हेलो एंड वेलकम टू देव ट्यूटोरियल ऑफ इकोनॉमिक्स। सो हम लोग जिस थ्योरी को स्टडी कर रहे थे, जिस इंटरनेशनल पोर्शन में टॉपिक को स्टडी कर रहे थे, वो था हेक्सर ऑलिन थ्योरी। तो हम लोगों ने फर्स्ट वीडियो में बेसिक इंट्रोडक्शन देखा कि क्या होता है हेक्सर ऑलिन थ्योरी, उसका मेन कंसेप्ट क्या है। आज जो हम लोगों ने मेन कंसेप्ट पिछली वीडियो में देखा था, बस हम लोग उसी को एनालाइज करेंगे, या आप बोल सकते हो उसी को एक तरह से शो करेंगे डायग्राम के थ्रू, कि जहां पे कैपिटल ज्यादा वहां पे कैपिटल इंटेंसिव गुड्स प्रोड्यूस होगा, जहां पे लेबर ज्यादा लेबर इंटेंसिव गुड्स। तो हम लोगों ने पिछली वीडियो में क्या देखा था, हम लोगों ने सिर्फ बेसिक पोर्शन को कवर किया। फिर मैंने आपको बताया था कि जब ये क्वेश्चन जनरली 20 मार्क्स क्वेश्चन में पूछा जाता है, तो आपको किस वे में, किस फॉर्मेट में आंसर लिखना चाहिए एग्जाम में। तो सबसे पहले मैंने बताया था इंट्रोडक्शन लिखो, आप इंट्रोडक्शन लिखिए, उसके बाद आप एजम्पशन लिखिए, उसके बाद आप एक्सप्लेनेशन दीजिए इस थ्योरी का, फिर आप इसका सुपेरियरिटी बताइए कि दिस व्हाई दिस थ्योरी इज सुपीरियर और बेटर देन क्लासिकल थ्योरी। मैं इसको भी बताऊंगा रीजन के साथ कि क्यों सुपीरियर है। तो इट्स सुपीरियरिटी आपको बताना है। ओवर क्लासिकल थ्योरी, उसके बाद आपको यहां पे लिमिटेशन इसका बताना है, इस थ्योरी का लिमिटेशन बताना है, और फिर आपको इसका कंक्लूजन लास्ट में लिखना है। तो ओवरऑल आपके पास 6 to 7 पॉइंट है, आपको 7 to 8 पेज लिखने के लिए। आई होप इतना आप अगर हाफ आप भी लिखोगे तो कवर हो जाएगा बेसिक इंट्रोडक्शन। तो हम लोग इसी पैटर्न में आज मूव करेंगे और समझने का कोशिश करेंगे कि क्या हो सकता है। बेस्ट जितना सिंप्लीफाई करके जितना ज्यादा हम लोग को, मतलब समझ तो आप कहीं भी सकते हो, बट क्या मैटर करता है इकोनॉमिक स्टूडेंट के लिए, सबसे ज्यादा जो मैटर करता है वो है कॉस्ट एंड बेनिफिट। कितने कॉस्ट पे आपको कितना बेनिफिट मिल रहा है, आप कितने सिंपल में कितना वास्ट टर्म को समझ रहे हो, ये मैटर मोस्ट करता है इन कंपैरिजन टू दैट हाउ मच यू आर गेटिंग। सो हम लोग ध्यान से इस थ्योरी को आज फिर से, हम लोग ये सेकेंड पोर्शन है जहां पे आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ, एंड आई होप कि आपको पसंद आएगा। तो हम लोग एक फिक्स फॉर्मेट में इसको स्टार्ट करते हैं जिससे आपको बेनिफिट ज्यादा मिले। तो थ्योरी क्या है, हेक्सर ऑलिन थ्योरी। ऑलिन थ्योरी, तो सबसे पहले हेक्सर ऑलिन थ्योरी का हम लोग इंट्रो पोर्शन पे आते हैं, इंट्रोडक्शन पोर्शन पे। इंट्रोडक्शन पोर्शन में आपको क्या बताना है, इंट्रोडक्शन पोर्शन में आपको ये बताना है कि हेक्सर ऑलिन थ्योरी जो है किनके द्वारा दिया गया था। ठीक है, तो ये किनके द्वारा दिया गया था, ओहलिन के द्वारा। सबसे पहले हेक्सर के द्वारा दिया गया था जो कि ओहलिन के टीचर थे, बाद में ओहलिन ने इसको इम्प्रूव मीन्स लेटर इट वॉज इम्प्रूव बाय ओहलिन, इसको सुधारा गया या फिर डेवलप किया गया ओहलिन के द्वारा। तो इसलिए इस थ्योरी को बोलते हैं हेक्सर ओहलिन थ्योरी। तो आपको क्या देना है, किनके द्वारा दिया गया था, तो दिया गया था हेक्सर ओहलिन, तो ये मेंशन करना है हेक्सर ओहलिन के द्वारा दिया गया था। तो आप जब इसको मेंशन कर दोगे तो उसके बाद आप एक और पॉइंट लिखो, या ये सब है, आप जितना पॉइंट याद रखोगे उतना आपको बेनिफिट होगा एग्जामिनेशन में, आप उतना ज्यादा एक्सटेंड कर सकते हो आंसर का, और आंसर अट्रैक्टिव लगेगा। हर एक पॉइंट का एक इंपॉर्टेंस है, आप किसी भी पॉइंट को कम नहीं आ सकते हो, आप किसी भी पॉइंट को कम वैल्यू मत देना। तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे कि हेक्सर ओहलिन के द्वारा ये थ्योरी दिया गया था, तो हम मैंने लिखा है हेक्सर ओहलिन दिए थे। उसके बाद आप जब इसको लिख रहे हो तो एक बुक का नाम भी लिख देना जिस बुक में इस थ्योरी का जिक्र किया गया था, बर्टिन ओहलिन। ओहलिन का पूरा नाम था बर्टिन ओहलिन, बट उतना काम नहीं है। तो आप ओहलिन का उस बुक को भी मेंशन कर दो जिस बुक में ये थ्योरी का जिक्र था, तो वो किस बुक में जिक्र था, तो इंटर रीजनल एंड इंटरनेशनल ट्रेड, इंटर रीजनल एंड इंटरनेशनल ट्रेड, ये बुक लिखा गया था ओहलिन के द्वारा। तो यहां इसलिए मैंने लिख दिया ओहलिन ने इंटर रीजनल और इंटरनेशनल ट्रेड बुक लिखा।
आपको समझाने के लिए, आपके इजी करने के लिए। तो देखिए सिंपली अभी तक हम लोगों ने क्या देखा इंट्रोडक्शन पोर्शन में कि हेक्सर ओहलिन ने इस थ्योरी को दिया। इस थ्योरी का जिक्र ओहलिन ने अपने बुक इंटर रीजनल एंड इंटरनेशनल ट्रेड में किया था। इसके बाद अब इस थ्योरी का अदर नाम क्या है, तो इस थ्योरी को हम लोग बोल सकते हैं मॉडर्न थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड और फैक्टर प्रोपोर्शन थ्योरी। मैंने ये कंसेप्ट बताया था कि क्यों इसका नाम ये है मॉडर्न थ्योरी या फिर फैक्टर प्रोपोर्शन थ्योरी, अगर आपको याद हो तो सही है, वरना आप प्रीवियस वीडियो को जरूर देखिए, वो आपको हेल्प करेगा आपके जो भी डाउट है वो आपको क्लियर करने में। तो इस थ्योरी का दूसरा नाम क्या है, मॉडर्न थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड या फिर फैक्टर प्रोपोर्शन थ्योरी। मैं आपको बता नहीं रहा हूं कि एग्जाम में बस इतना लिखना, बट आपको एक पैटर्न के अंदर क्या लिखना है, क्या इंपॉर्टेंट है, जो इंपॉर्टेंट है मैं कोशिश कर रहा हूं उसको कवर कर लिया जाए। तो आपको ये याद रखना बेसिक फंडा किस वे में लिखना है। तो सबसे पहले जब आप लिख लोगे कि दिस थ्योरी वॉज गिवेन बाय हेक्सर ओहलिन, इट वॉज फर्स्ट फॉर्मुलेटेड बाय हेक्सर हु वॉज द टीचर ऑफ ओहलिन एंड लेटर इट वॉज इम्प्रूव्ड बाय ओहलिन। So this theory is combiningly known as Hexer-Ohlin theory. This theory, Ohlin deals given the concept of this theory in his book Interregional and International Trade. किस पैटर्न में मैं बता रहा हूं उसको थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। उसके बाद this theory is also known as modern theory of international trade और factor proportion theory. अब थोड़ा सा main concept बता दीजिएगा कि इस theory में बात क्या होती है। तो इस थ्योरी जैसा मैंने बताया था पहले कि इस थ्योरी का मेन कंसेप्ट क्या है कि जहां पे ये जो इंटरनेशनल ट्रेड हो रहा है किसी भी दो रीजन के बीच, वो इंटरनेशनल ट्रेड किस पे डिपेंड कर रहा है, वो डिपेंड कर रहा है फैक्टर इंडोनमेंट। और फैक्टर इंडोनमेंट बोलने का मतलब क्या, फैक्टर इंडोनमेंट बोलने का मतलब अवेलेबिलिटी ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन फूड मैन्युफैक्चरिंग। कोई भी रीजन में कितना फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन अवेलेबल है, और यहाँ पे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन दो ही लीजिएगा, दो ही है, जैसे कि एक कैपिटल को माना गया है, एक लेबर को माना गया। तो आप बोल सकते हो फैक्टर इंडोनमेंट बोलने का मतलब कितना कैपिटल और लेबर किसी एक रीजन में प्रेजेंट है जो कि मैन्युफैक्चरिंग में यूज हो सकता है, ठीक है, उसको फैक्टर इंडोनमेंट बोला जाता है। तो आप वो बता दो कि इंटरनेशनल ट्रेड है फैक्टर इंडोनमेंट पे डिपेंड करेगा या फिर फैक्टर प्राइस पे डिपेंड करेगा। तो मैंने वही लिखा है द मेन डिटरमिनेंट ऑफ द पैटर्न, यहां से देखिएगा ध्यान दीजिएगा, पैटर्न ऑफ प्रोडक्शन स्पेशलाइजेशन एंड ट्रेड अमंग द रीजन इज रिलेटिव अवेलेबिलिटी ऑफ फैक्टर इंडोनमेंट और फैक्टर प्राइसेस, जो फैक्टर प्राइसेस है। बोलने का मतलब मैंने यहां से हाईलाइट क्यों किया, पैटर्न ऑफ प्रोडक्शन, इस पर एक तगड़ा डिबेट हुआ था। अगर आपको याद हो प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया था कि मॉडर्न इकोनॉमिस्ट और जो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट थे, क्लासिकल इकोनॉमिस्ट का व्यू अलग था फॉर इंटर रीजनल ट्रेड एंड इंटरनेशनल ट्रेड, वही मॉडर्न इकोनॉमिस्ट का व्यू अलग था फॉर इंटर रीजनल ट्रेड एंड इंटरनेशनल ट्रेड। तो ओहलिन क्या है, वो क्लासिकल थ्योरी को नेग्लेक्ट कर देते हैं या उसको डिस्कार्ड कर देते हैं। वो बोलते हैं ये जो पैटर्न ऑफ प्रोडक्शन है कि कोई भी रीजन में क्या प्रोडक्शन होना है, वो किसमें स्पेशलाइज करेगा या फिर क्या ट्रेड होगा कौन सा दो रीजन के बीच, ये सारा किस पे डिपेंड कर रहा है, ये सारा डिपेंड कर रहा है अमंग द रीजन, जो जिस रीजन में कितना अवेबिलिटी है, रिलेटिव अवेबिलिटी ऑफ फैक्टर इंडोनमेंट कितना प्रेजेंट है उस रीजन में। फैक्टर इंडोनमेंट बोलने का मतलब क्या, फैक्टर इंडोनमेंट बोलने का फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जो प्रेजेंट है, जिसको कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में या जिसको हम लोग यूज कर सकते हैं सिंपली, ठीक है। तो ये था बेसिक कंसेप्ट। आप इसके बाद ये भी लिख सकते हो कि सम रीजन्स आर रिच इन कैपिटल, किसी रीजन में कौन सा फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन ज्यादा है, लेबर, तो वो रीजन क्या है, लेबर इंटेंसिव गुड्स को प्रोड्यूस करेगा और एक्सपोर्ट करेगा, और किसी रीजन में कैपिटल ज्यादा है तो वो कैपिटल इंटेंसिव गुड्स को प्रोड्यूस करेगा और एक्सपोर्ट करेगा। तो आप ये भी मेंशन कर सकते हो इसके साथ कि इन सिंपली वी कैन से दैट सम रीजन्स आर रिच इन कैपिटल सो दोज रीजन्स विल प्रोड्यूस एंड एक्सपोर्ट कैपिटल इंटेंसिव गुड्स एंड द रीजन विच आर मोर इन
लेबर दे विल प्रोड्यूस लेबर एंड दे विल एक्सपोर्ट लेबर इंटेंसिव। तो ये था बेसिक इंट्रोडक्शन, जो बेसिक कंसेप्ट हम लोगों ने देखा था कि थ्योरी बताता क्या है या थ्योरी का मेन मोटिव क्या है। तो ये था मेन मोटिव। अब हम लोग मूव करते हैं इसके अगले पोर्शन में जो कि है अजम्पशन। आप इसको और अच्छे से और सिस्टमेटिक में और बढ़ाइएगा अपने से नोट से, आपको खुद नोट बनाना है बुक से देख के हेल्प। मैंने बस जो इम्पोर्टेंट पार्ट था इंट्रोडक्शन में जो आपको पता होना चाहिए मैंने वो बताया। तो अब इसका अजम्पशन के पोर्शन में हम लोग मूव करते हैं। तो चलिए अब इसके नेक्स्ट जो इसका पोर्शन है अजम्पशन वाला पोर्शन, इसमें मूव करते हैं। मैंने सिर्फ उस पॉइंट को आपको बताया जो जिस पॉइंट को आपको जानना चाहिए एज एन स्टूडेंट। आप बुक से पढ़ोगे आपको प्रॉब्लम हो या ना हो बट आपको उसको जानना चाहिए। अब अजम्पशन, अजम्पशन बोलने का मतलब क्या, अजम्पशन बोलने का मतलब बेस। आपको अजम्पशन को हमेशा सेकंड पोर्शन में रखना है। मैंने बताया था रीजन पहले भी क्यों, क्योंकि ये बेस का काम कर रहा है। आप बेस इसको फिक्स कर दे रहे हो, बता रहे हो टीचर को कि ये बेस है इसको मैं फिक्स कर दिया हूं, इसके ऊपर मैं इस थ्योरी को बना रहा हूं। अगर आप इसको हिलाओगे तो ये थ्योरी फॉलो नहीं होगा या वैलिड नहीं रहेगा। तो क्या क्या इसका अजम्पशन है, तो अजम्पशन जो आपको जानना चाहिए या जो इम्पोर्टेंट है, तो ये है सबसे पहला जो है। बहुत सारा अजम्पशन है और आपको याद रखना, कुछ तो कॉमन है जो क्लासिकल में था, जैसे फ्री कंपटीशन, नो ट्रेड रेस्ट्रिक्शन, नो ट्रांसपोर्ट कॉस्ट। तो ये सब आपको एक बार बुक को रिवाइज कर लेना, बुक को देख लेना, तो आप इजीली तुरंत समझ जाओगे। बट जो जानना चाहिए जिसमें थोड़ा सा कंसेप्ट है मैं बता दे रहा हूं आपको। तो जैसे कि ये है इट इज 2x2x2 मॉडल। बोलने का मतलब क्या है, टू कमोडिटी एंड टू फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। अब खास बात आपको मैं इसलिए बता रहा हूं, आप बोलोगे कि पहले भी ये था बट पहले जो था, अगर आप याद करोगे क्लासिकल थ्योरी का एब्सोल्यूट या फिर कंपैरेटिव या फिर रेसिप्रोकल डिमांड, तो वो सब सिर्फ एक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को इंक्लूड करता था जो कि था लेबर कॉस्ट। बट यहां पे मैंने इसलिए इस पॉइंट को हाईलाइट किया है क्योंकि ये दो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को मद्देनजर रखेगा, मतलब इंक्लूड करेगा, जो कि एक है फैक्टर कॉस्ट, एक है लेबर कॉस्ट। सो इसलिए ये मैंने बता रहा हूं या इंपॉर्टेंट है आपको बेसिक याद रखना कि इसलिए ये आप सुपीरियरिटी में भी देखेंगे कि मैं यही लिखूंगा कि ये दो फैक्टर को इंक्लूड कर रहा, क्लासिकल सिर्फ एक को करता था, ये इसलिए बेटर है क्लासिकल से। तो पहला पॉइंट क्या लिखना, इट इज 2x2x2 मॉडल। दूसरा क्या, दूसरा है देर आर क्वांटिटेटिव डिफरेंस इन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन बट इन डिफरेंट रीजंस बट क्वालिटेटिवली दे आर सेम। मीन्स जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है कंट्री ए में थोड़ा ज्यादा है, कंट्री बी में थोड़ा कम है, ये क्वांटिटेटिव डिफरेंस हो सकता है बट ऐसा नहीं हो सकता कि क्वालिटी में डिफरेंस आ जाए। जो काम यहाँ पे कोल करेगा वहां का कोल भी वही काम करेगा। बोलने का मतलब जो यूज होगा रिसोर्सेज का इस कंट्री में, वो यूज रिसोर्सेज का उस कंट्री में भी वही होगा। तो ये है इसका बताने का मतलब या इस पॉइंट का मतलब कि क्वांटिटी में तो डिफरेंस आ सकता है, तो क्वांटिटी ही तो सारा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है भाई। तो ये आपको बताना है, मीन्स अनड्यू पॉइंट है बट फिर भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको इम्प्रेसिव थोड़ा लगता है। तो बताना है देयर इज क्वांटिटेटिव डिफरेंस इन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन बट क्वालिटेटिवली दे आर सेम। लेकिन क्या है, क्वालिटेटिवली सब बराबर है। इसके बाद देखिए द प्रोडक्शन फंक्शन आर डिफरेंट फॉर डिफरेंट कमोडिटीज। क्या है, इस पॉइंट को अच्छे से समझिएगा। प्रोडक्शन फंक्शन बोलने का मतलब क्या, प्रोडक्शन फंक्शन बताता है कि कोई भी कमोडिटी कितना हम लेबर और कैपिटल को मिला रहे हैं और एक गुड्स को प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो वही सेम बता रहा है कि प्रोडक्शन फंक्शन डिफरेंट हो सकता है डिफरेंट कमोडिटी का। मीन्स एक्स में थोड़ा लेबर ज्यादा लगेगा, कैपिटल कम लगेगा, वाई में थोड़ा कैपिटल ज्यादा लगेगा, लेबर कम लग सकता है। तो इसलिए प्रोडक्शन फंक्शन दोनों का अलग अलग हो सकता है। बट मेन क्या है, जो एक कमोडिटी का यहां लग रहा है वही दूसरे कमोडिटी का, मतलब जितना रिक्वायरमेंट है, अगर एक कमोडिटी ए एक्स है मान के चलिए, तो x को 10 लेबर का रिक्वायरमेंट है और 10 यूनिट ऑफ कैपिटल का रिक्वायरमेंट है, तो ये जो 10-10 है वो दूसरे कंट्री में भी सेम रहेगा। तो वही बता रहा है कि द प्रोडक्शन फंक्शन आर डिफरेंट फॉर डिफरेंट कमोडिटी।
अलग अलग कमोडिटी एक्स और वाई का प्रोडक्शन फंक्शन अलग अलग हो सकता है, एक में 10 लेबर 12 कैपिटल, दूसरे में 12 कैपिटल 10 लेबर लग सकता है, बट जो ये 10 12 और 12 10 है वो सेम रहेगा दूसरे कंट्री में भी। मीन्स उतना रिक्वायरमेंट एटलीस्ट होगा ही होगा किसी भी कमोडिटी को प्रोड्यूस करने के लिए। चौथा है टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ कंज्यूमर एंड देयर डिमांड पैटर्न आर आइडेंटिकल। ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है जो कि वियर्ड है, और अजम्पशन पे मैं इसलिए हाईलाइट कर रहा हूं क्योंकि इसी सब को मैं पुट करूंगा इसके क्रिटिसिज्म में, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। आप इसको ध्यान से देखिए, आप इसी को क्रिटिसिज्म में देखिएगा, मेंशन करेंगे हम लोग। तो क्या है टेस्ट एंड प्रिफरेंस ऑफ कंज्यूमर एंड दैट डिमांड पैटर्न आर आइडेंटिकल इन बोथ कंट्रीज। मीन्स दोनों कमोडिटी जो प्रोड्यूस किया जा रहा है, एक है कॉटन मान के चलिए, एक है वाइन, तो कॉटन वाइन का डिमांड यहां पे भी मतलब दोनों को कंज्यूम किया जाता है दोनों कंट्री में, तो इसलिए बोला जा रहा है टेस्ट एंड प्रेफरेंस नियर अबाउट दोनों कंट्री में सेम है। और एक पॉइंट और जो आप एडिशनल लिख सकते हो वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, और वो ये है कि नो स्पेशलाइजेशन इन एनी कमोडिटी। और सबसे लास्ट पॉइंट जो है कि कोई भी स्पेशलाइजेशन, कोई भी कंट्री किसी स्पेसिफिक प्रोडक्ट में स्पेशलाइज नहीं है, ऐसा नहीं है कि वो पूरा स्पेशलाइज हो गया है, तो ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है। सो दिस वर द जो आपको पता होना चाहिए, जो या फिर आपको थोड़ा सा ट्रबल देता आप जब बुक को पढ़ते, तो वैसा पॉइंट को मैंने हाईलाइट कर लिया और बता दिया आपको। अब थोड़ा सा इसका एक्सप्लेनेशन में मूव करते हैं, थोड़ा सा देखेंगे उसके बाद और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग और अच्छे से इसको एक्सप्लेन करेंगे। तो आज हम लोग बस इसी दो पोर्शन को देखें, क्योंकि एक्सप्लेनेशन आज पॉसिबल नहीं है, क्योंकि थोड़ा सा देंगे फिर कभी भी वीडियो ऑफ हो सकता है, तो इसलिए हम लोग जो एक्सप्लेनेशन है वो नेक्स्ट वीडियो में ही देखेंगे और उसको और अच्छे से समझने का कोशिश करेंगे। आज बस हम लोग अजम्पशन जो बेस है हम लोग का जानना चाहिए, आज हम लोगों ने सिर्फ उसको देखा है। एंड आई होप आपको पसंद आया हो, और आप जरूर अच्छा लगा हो, तो आपको अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक करें एंड सब्सक्राइब दिस चैनल यूट्यूब देव ट्यूटोरियल ऑफ इकोनॉमिक्स, और इसको शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर, बाय बाय।